just be done. I have seen enough to call. Hey, guys, please be at the upper Tanya Bajate. चाहे वो लिविंग हो और नॉन लिविंग हो, हम है एनवायरमेंट है। लेकिन याद रखे एनवायरमेंट जितना हमने नुकसान पहुंचाया उसने किसी स्पेसिस ने दुनिया में नहीं पहुंचाया। लेकिन इसके बाद ये भी हम कह सकते हैं एनवायरमेंट से हम हैं, हमसे एनवायरमेंट नहीं है। लेकिन अब आप बोलिएगा कि कैसे, लेकिन आपको मिलियन साल पहले ले जाते जब यहाँ पे डायनासोर राज करते थे, हम थे नहीं थे, लेकिन तब भी एनवायरमेंट था और आज हम हैं तो भी एनवायरमेंट है। लेकिन फर्क क्या है? फर्क यही है कि उस वक्त का मामला अलग था, आज वक्त का मामला अलग है। आज टेक्नोलॉजी आसमान छू रही है, हम लोगों ने क्या क्या नहीं डिस्कवर किया, कॉस्मोस का इल्म हमारे पास, इन्वेंशन हम किए सब चीज, लेकिन डिस्ट्रक्शन भी हम ही किए। आज हमें गर्मी लगती है तो हम एसी चलाते हैं, हमारे घर में एसी ठंडा कर देता है लेकिन ग्लोब को परेशान कर देता है, ग्लोब को पूरा गर्म कर देता है। हमारा जितना इन्वेंशन इस नेचर को नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन हमारे ही जिम्मेदारी है क्योंकि यही नेचर हमारा घर है, हम यही रहते हैं और इसी पे हमारे तरक्की करने का हमारा हर एक कदम इस नेचर के लिए होना चाहिए। और मैं एक आपको बात बताता हूँ, हम जो पेड़ काटते हैं ये किस वजह से, ये पेड़ जब हम पेड़ काटते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है, तो ग्लेशियर जो है पिघलते हैं तो क्या होता है, सी लेवल बढ़ता है, फ्रूट्स आता है, सुनामी आता है तो किसे नुकसान पहुंचाता है, हमें ही नुकसान पहुंचाते ये सब। और किसकी वजह से हो रहा है, ये हमारी वजह से। एक बात मैंने कहीं पढ़ा था, वहां पे लिखा गया था कि ह्यूमन ही एक ऐसी स्पेशीज है जो कि पेड़ काटती है और पेड़ काट के उसका पेपर बनाती है और उसी पेपर में लिखती है सेव ट्रीज। ये इख्तिताम इस बात पे करना चाहता हूँ, छोटे से बात पे, कि एक शख्स था रोज गली चौराहों पे कचरा फेंका करता था, लोग उसे कहते थे तुम क्यों कचरा फेंकते हो, हालांकि डस्टबिन है यहाँ पे मौजूद, उन लोगों की बातों को इग्नोर किया करता था। एक दिन किसी आदमी ने उस शख्स के घर में जाकर कचरा फेंक दिया तो वो आदमी ने कहा तुमने क्यों कचरा फेंका, ये मेरा घर है। तो उस आदमी ने जवाब दिया भाई ये देश भी तेरा है, इस देश को भी तुम्हें साफ और सुथरा रखना। अगर इसे भी हम खो देंगे तो फिर हम बचेंगे ना, सब कुछ तबाह और बर्बाद हो जाएगा। और आखिर में कुछ स्लोगन बोल रहे हैं, ग्रो ग्रीन ब्रीथ क्लीन नो पॉल्यूशन इज द ओनली सॉल्यूशन, बेटर टुमारो बेटर एनवायरमेंट बेटर टुमारो। मोहन को गंदा करना जिसमें हवा पानी और मिट्टी वगैरह शामिल है, हमें इन सब को आलूगी को रोकना होगा, पेड़ पौधों को लगाना होगा, उन्हें काटना की जरूरत नहीं है। और बहुत से लोग हैं जो रस्ते पर कचरा फेंक देते हैं डस्टबिन के रहते बगैर, लेकिन उन सब को समझना चाहिए कि कचरा रस्ते में फेंकने से बहुत सारे गंदगी और शरीक हुए हैं। मेरा ये मानना है कि आज हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट प्रोग्राम में वर्ल्ड एनवायरनमेंट के सेलिब्रेशन के शरीक नहीं हुए बल्कि अपनी याददाश्त को वापस लाने के लिए शरीक हुए हैं। यहाँ जो हमारे जजेस है वो हमारे याददाश्त को वापस लाने की कोशिश करेंगे क्योंकि हम ये भूल चुके हैं कि हमारे लिए माहौल कितना जरूरी है। पौधे जिसकी वजह से आज हम जिंदा है, इनकी वजह से हम सांस ले रहे हैं, इनकी वजह से मुझे ज्यादा हवा मिलती है, अगर ये ना हो तो हम कभी जिंदा ना हो, अगर ये बात हमें कभी समझ नहीं पाएंगे।
और ना ही हम इसे कभी समझने की कोशिश करते। मुझे खुशी है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के मौके पर मुझे चंद अल्फाज कहने का मौका मिला। मैं कहना चाहूंगा कि ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सिर्फ आज ही नहीं बल्कि बहुत साल पहले 48 साल पहले इसकी शुरुआत हुई थी। इसे हरियाली के ऊपर एक अवेयरनेस फैलाने के लिए हम लोग अपने ही मजहब के अपने ही प्रॉफिट के बातों को नजरअंदाज करके जो लोग कर रहे हैं उसको काट रहे हैं उसको उजाड़ रहे हैं उसी के लिए हम लोग उसके साथ मिलजुल कर उसको उस काम को अंजाम दे रहे हैं। प्रिंसिपल रिस्पेक्ट गुड मॉर्निंग रिस्पेक्ट प्रिंसिपल टीचर एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स टुडे आई एम हियर टू गिव अ स्पीच वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे एंड आई एम थैंकफुल टू यू ऑल फॉर गिव वन दिस अपॉर्चुनेटली वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज द यूनिवर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट डे फॉर इंक्वायरिंग वर्ल्ड वाइड अवेयरनेस व्हाट and action for the protection of our environment science. It began in 1974. It has grown to a global platform for public that is worldwide celebrated in our entire continuous environment. वो जब अपने क्लास में गए और एक ट्रॉली के बच्चे के साथ आगे बेंच पे बैठ गए तो क्लास टीचर आए आने के बाद उनको मारा और डांटा और डांटने के बाद कहा तुम्हारी ये औकात कि तुम एक ट्रॉली के बच्चे के साथ आगे बैठे हो चलो जाओ जाके पीछे बैठो। एपीजे अब्दुल कलाम साहब अपना बस्ता उठाए और पिछले बेंच में गए बैठ के जाके और वहां से जाके कहते हैं द बेस्ट ब्रेन्स ऑफ द नेशन मे बी ऑन द लास्ट बेंचेस ऑफ द क्लास रूम। तो क्या हुआ पूरी दुनिया कायनात को बचाने के लिए तो हमें अपनी जिंदगी को बचाने के पूरे माहौल को बचाना होगा क्योंकि ट्री और माय ओन टू फैमिली ये भी हमारा एक फैमिली है उसको तबाह तबाह बर्बाद कर रहे हैं इसीलिए भी कर रहे हैं गंदगी चारों तरफ फैला रही है तो हमारा सेवा बना हुआ कि हर तरफ गंदगी को फैलाते हैं इसकी तरफ जरा सा फिकू नहीं करेगा तो उसमें मन का है लेकिन बाहर में थोड़ा जान कर लूंगा ये गंदगी से पॉल्यूशन से understand something. So for that reason, I think so that, you know, there shouldn't be any communication gap. That there are children who do not understand English very well. Okay, so I will try to speak in English along with the Hindi. Right, if Bengali guys are there, they can also request me, I can speak in Bengali too. Well, today we are gathered over here together for the World Environment Day. Right, guys? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के ऊपर बहुत सारी बातें हमारे बच्चों ने कही क्योंकि अभी आपकी उम्र बहुत कम है कुछ बातें ऐसी भी हैं कुछ टेक्निकल चीज जो उम्र आपकी जाए तो आप उसके इम्पोर्टेंस को समझेंगे लेकिन सबसे खुशी की बात जो मैंने आज यहाँ प्रोग्राम में ऑब्जर्व किया है कि छोटे छोटे बच्चे 10 साल 11 साल 12 साल में कुछ स्टेज पर आए और कुछ बोलने के लिए सबसे बड़ी कामयाबी आपको मिली पर हमारी तरफ से जो ताली आप समझती हो जाए हम लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है या है भी तो सीरियस नहीं है हम लोग इससे ज्यादा
मोर देन 100 कंट्रीज पे इसके ऊपर हम लोग हर साल मोरल नाम करते हैं 5 तारीख को 5 जून को सिर्फ अवेयरनेस के लिए ताकि हम लोग जो है इसके बारे में समझो रेट आने वाला है इस पॉल्यूशन के जरिए इससे हम लोग जो है इसको रोक सकें। तो हम थोड़ा सा कंपेरिजन करते हैं अवेयरनेस का, क्या अवेयरनेस वो लोगों के बीच में है उस डेवलप कंट्री के बीच में है जिसके वजह से वो लोग अपने इन्वायरमेंट को अंडर कंट्रोल रखा है और हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं छोटे छोटे जो लाइफ स्टाइल है हम लोगों का रहने का तरीका है उसमें काफी फर्क है। हम लोग आज क्या करते हैं कि छोटी सी भी डिस्टेंस है 2 मिनट से भी डिस्टेंस है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं मोटर बाइक या स्कूटी, स्टार्ट किया चले गए जिससे तेल का भी खर्च होता है, एयर पॉल्यूशन होता है, साउंड पॉल्यूशन होता है और हमारे जेब पर भी असर पड़ता है। अगर हम वही डिस्टेंस पैदल जाएं या साइकिल का इस्तेमाल करें तो उम्मीद है कि हमारा जेब भी बचेगा, सेहत भी अच्छी रहेगी और इन्वायरमेंट भी बचेगा। आप अगर देखेंगे यूरोप कंट्री में वहाँ पर जो है ज़्यादातर घर जो है आप बहुत कम पाएंगे किसी भी घर में जो मोटर बाइक है, उनके पास चार फोर व्हीलर होते हैं और ज़्यादातर दे आर यूजिंग साइकिल। यहाँ तक कि उनको उनके जो रोड बने होते हैं उसमें भी साइकिल्स का एक अलग से लेन होता है तो वो लोग छोटी डिस्टेंस के लिए ज़्यादातर प्रेफर करते हैं पैदल चलना या फिर साइकिल का इस्तेमाल करते हैं, इसके बरक जबकि हम लोग ऐसा नहीं करते। इसके अलावा एक और बहुत ज़रूरी चीज़ जो मैं कहना चाहूँ था वो गार्बेज जो हमारे घर से जो कचरा निकलता है वो हम क्या करते हैं, बस कचरा निकला उसको एक पॉलीथीन में भरा और फेंक दिया। अब वो लोग क्या करते हैं इसके बारे में देखिए, वो लोग गार्बेज को घर में ही सेग्रीगेट करते हैं, उसको 30 हटाएं भी करते जाता हूँ मगर वो आएं कम नहीं करता, समझ में कुछ नहीं आता इतना मेहरबानी। शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो न्यायाधीश करीम और रहीम बुजुर्गी वाला है और अल्लाह ताला का देर है कि हम लोग इतना क्या बोलते हैं पोल्यूटेड ग्लोबल वार्मिंग और इतना बैड एनवायरमेंट में भी हम लोग जीत पा रहे हैं, ये अल्लाह का करम है। बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं यहाँ पर हुई, हमारे जमशेद साहब, डॉक्टर रैबर साहब, रफी अहमद साहब और हमारे डब्ल्यू बीजो ऑफिसर अजहर साहब ने बहुत अच्छा मोटिवेशन आप लोगों को दिया। तो मैं हमारे अजहर साहब की जो बात है 2 लाइन में आप लोगों को